दोस्तों अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ एसी कोच में क्या क्या लगा होता है इलेक्ट्रिकल में। ये सामने कुछ इक्विपमेंट लगा हुआ है, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, बैटरी एम्पियर मीटर है, बैटरी वोल्ट मीटर है, लाइट ऑफ, लाइट लैंप, वाटर राइजिंग, हार्मोनाइजिंग पंप कंट्रोल। ये वाटर राइजिंग लाइटिंग पंप कंट्रोल। ये डिस्प्ले यूनिट ऑफ माइक्रो प्रोसेस कंट्रोलर है। ये एनालॉग एयर कूलर और फॉल्ट रिसेट का ऑपरेशन ऑपरेटर। इधर कुछ ये एसीबी कंट्रोल करने के लिए वेंटिलाइजेशन फैन यूनिट वन, वेंटिलाइजेशन फैन यूनिट वन, वेंटिलाइजेशन पानी टू, कंप्रेसर यूनिट वन, कंप्रेसर यूनिट टू, कंडेंसर फैन यूनिट वन पॉइंट वन, कंडेंसर फैन यूनिट वन पॉइंट टू, इलेक्ट्रिकल हीटर वन, इलेक्ट्रिकल हीटर टू। इससे यहाँ इससे वेंटिलाइजेशन फैन यूनिट है, इसी से हमारा एयर कूलिंग सिस्टम चलते हैं सारे जो इस प्रकार है। ये S1F40, S1F60 सीमेंस के सारे लगे हुए हैं। MCB नेचुरल सर्किट ब्रेकर कुछ इसी प्रकार से, मैं पूरे वीडियो भी दिखा रहा हूँ, ये कुछ इस प्रकार से रहते हैं सारे के सारे। मैं अब अंदर दिखाने जा रहा हूँ कोच कैसा होता। ये है कोच का गेट, कर रहा हूँ। हेलो, हाँ, ये कुछ इस प्रकार से कुछ बने होते हैं, तो मतलब गेट लगे होते हैं। ये है डब्बे सीट होते हैं, तीन तीन सीट होते हैं। इधर है कुछ सीट, एक दो नंबर लगे होते हैं, सारे नंबर है। ये सारे कोच के डिब्बे हैं कुछ। ये ऊपर में है जहाँ से एयर आती है, ठंडी हवा। ये कुछ लाइट लगे हुए हैं, ये अलार्म लगा हुआ है मेरा, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अलार्म घिसते हैं।